पंकज जल्दी निकल जल्दी निकल, ये देख भाई देखो वो सारे नीचे गिरे पत्थर। जहाँ मुझे बस मिल गई वहाँ मेरी लग जाएगी अच्छे से, फंस जाऊँगा वहीं मैं। बट यार रात को थोड़ा सा है ना डरावना लग रहा है। डरावना इसलिए बिकॉज कोई है नहीं, अंधेरा है बिल्कुल, साथ में भी कोई नहीं बैठा और कोई है नहीं बात करने वाला मेरे साथ। अब कुछ भी नहीं खाने को, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। इसलिए कहते हैं देख के चलते रहो, आराम चलाओ, जा तेज मत भगाओ कार को। हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम जा रहे थे पेन वैले, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हो गई लैंडस्लाइड। आप देख सकते हो वो अभी हटा रहे हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। जब मैं आ रहा था तब भी ये भी बंद था, तो यही रास्ता था पेन वैले का, तो ये सब हटेगा क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है। और तो ये तो हो गया कैंसिल, अब हम चलते हैं वापस घर के लिए। तो पहले तो बीच में कहीं रुकेंगे, डायरेक्ट तो घर जाएंगे नहीं। लेट्स सी क्या करना है और निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब ये देखो लैंडस्लाइड हुई है, पूरा पत्थर सारे टूट के नीचे आ गए। भाई साहब ये पूरा देख सकते हो, आपको वाइडर एंगल में दिखाता हूँ। वैसे मैं जल्दी निकलूँगा यहाँ से, भाई डर है थोड़ा सा क्योंकि देखो यहाँ भी गिरे पत्थर। ये देखो भाई गंदा वाला लैंडस्लाइड हुआ है और ये अटके हुए हैं सारे के सारे। अभी कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जल्दी निकलो भाई यहाँ से वरना लग जाएगी। पंकज जल्दी निकल जल्दी निकल, ये देख भाई देखो और सारे नीचे गिरे पत्थर। और जब मैं आया था तब नहीं था, ये तब बिल्कुल सही था। ये फिर हटाया पुराना पूरा ये टूटा हुआ। भाई साहब ये देखो पूरा टूट गया भाई। यो यहाँ पे बड़ा सीन है, सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। अभी बस आई है, बस निकलेगी तब मैं निकलूँगा। और ये लंबा पैच है भाई, जहाँ मुझे बस मिल गई वहाँ मेरी लग जाएगी अच्छे से, फंस जाऊँगा वहीं मैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक बस ही निकल सकती है, गाड़ी तो भूल ही जाओ, बाइक भी निकल जाओ बहुत बड़ी बात है। तो भाई बस मुझे जहाँ तक मुझे जाना है ना वहाँ तक ये बस बस ना आए भाई, लग जाएगी वरना मेरी ये बाइक वाइक आती रही कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, आप है ना यार बुरा लग रहा है वापस जाते टाइम, अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें जाना तो पड़ेगा घर। बट यार ये व्यूज़ भी याद रखूँगा और अगले साल फिर से आऊँगा। बट अगले साल जब आऊँगा तो पूरा स्पीति अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करूँगा। अभी दो चीज़ें रह गई, एक पिन वैले रह गया है और एक चंद्रताल लेक रह गया जो कुंजम पास से हमें करना था, जो आपने देखा होगा वीडियो में, जो लास्ट वीडियो में कि नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल थी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी उधर, तो आगे रास्ता नहीं था और मेरी 2x4 कार थी तो जा नहीं सकते। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम पूरा स्पीति करेंगे और लद्दाख भी करेंगे साथ साथ में, बिल्कुल लद्दाख भी साथ में होगा। तो 25 दिन का ट्रिप होगा पूरा, तो उस पर हर चीज़ होगी। स्पीड फ्रॉम शिमला टू लद्दाख, लद्दाख टू कश्मीर, कश्मीर टू नोएडा। और ये रास्ते भी फिर से आएंगे अगले साल, फिर से आने का मौका होगा और मैं ज़रूर आऊँगा, चिंता ना करो स्पीति वैले, मैं बिल्कुल आऊँगा, मुझे मिस मत करने ज़्यादा, मैं आ जाऊँगा। चलो तब तक मिलते हैं, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बाय बाय स्पीति वैले।
अभी हम पहुंच गए हैं जहां पे स्पीति रिवर और सतलुज का संगम होता है, वहां पहुंच गए हैं। और थोड़ा सा ही पहले है, बट यार रात को थोड़ा सा है ना डरावना लग रहा है। डरावना इसलिए बिकॉज कोई है नहीं, अंधेरा है बिल्कुल, साथ में भी कोई नहीं बैठा और कोई है नहीं बात करने वाला मेरे साथ है, तो मैं ही अकेला। प्लस सोचा तो वीडियो ही बना लूँ कुछ, थोड़ा सा टाइम पास तो मेरा। चलो एक कार आया, टेम्पो आया यार शायद, कार है हाँ, चलो कोई तो आया भाई, मतलब तब से कोई नहीं आ रहा था भाई, मैं अकेला चला रहा सुनसान रोड पे। ऑफ सीजन में ये भी होता है, रात को डर भी लगता है। और सामने एक बर्फ़ का पहाड़ इतना खूबसूरत लगा, बट रात को बहुत डरावना लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही अभी ऐसे वहाँ से आएगा, झपट्टा मार के मुझे ले जाएगा अपनी तरफ। मैंने कहा भाई ना भाई, ऐसा ना करना, घर जाना है अपने मुझे। तो तेरी आप देख ही रहे हो भाई कैसे रास्ते हैं, रास्ते तो प्यारे हैं बट डरावने भी लग रहे हैं। रात को डरावने लगता है यार पहाड़ यार, कुछ पता भी चला है तो बेस्ट थिंग इज दिस, बेस्ट नहीं वर्स्ट बोलो, कि रात को पता नहीं चलता कि पत्थर गिरेगा नहीं गिरेगा, कुछ नहीं पता। सुबह पता भी चल जाता है, रात को पता नहीं चलता। और हम पहुँच गए बस जहाँ पे संगम होता है, हम पहुँच गए, वो ब्रिज आ गया है। यस हाँ जी, ये ब्रिज आ गया है। सो खा ब्रिज आ चुका है जहाँ पे संगम होता है सतलुज रिवर और स्पीति रिवर का। चलो आगे चलते हैं। अब यार पॉज तो गया है यहाँ पे मैं कल्पा में, बट प्रॉब्लम ये है कोई मार्केट नहीं खुली है, क्योंकि लेट 10 बजे आपको पता है पहाड़ों पे बेसिकली 9-9:30 बजे बंद कर देते हैं सब सारी शॉप ढाबा भी सब। अब कुछ भी नहीं खाने को, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, बस बॉर्बन के बिस्किट खाए हैं और खाली पेट सोना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सुबह उठूँगा, कोई ढाबा खुलेगा सबसे पहले खाना खाऊँगा फिर निकलूँगा। चलो मिलते हैं जल्दी फिर से, तो मैं सोता हूँ। तो भाइयों हम निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है, 9:30 हो रहे हैं और दिल्ली पहुँचने में 13 घंटे से ज़्यादा लगने वाले हैं। और मन तो नहीं कर रहा जाने का, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि है ना कोई बस ऐसे करके ऐसा पहुँचा दे दिल्ली, ठीक है, एक सेकंड में, या बिल्कुल भी नहीं जाना, ड्राइव करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कोई है ना छोड़ के भाग गया है और ऐसे करके जा रहे होते हैं वापस दिल्ली अपने घर, बट क्या करें जान तो पड़ेगा ना। चलो चलते हैं भाई फिर। यो ऐसे पहाड़ है सारे, अभी किन्नौर हम नीचे उतरे किन्नौर वाले पहाड़ों से, और ऐसे पहाड़ मिलेगा। और ये भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया था पहले वाले व्लॉग में, तो तब शाम हो गई थी बट बहुत खतरनाक रास्ते यहाँ के, तो ब्लाइंड कट्स बहुत ज़्यादा मिलेगा। और भाई पहाड़ ऐसे मिलेंगे बिल्कुल झुके हुए आगे की तरफ, ये देखो अगर आप आगे देख पाए ना, आगे ऐसे ही जाते हैं यहाँ पे पहाड़ मिलेंगे झुके हुए आगे की तरफ। भाई साहब यहाँ पे तो ट्रैफिक लगा हुआ है लंबा वाला, मैं ना वहाँ से आ रहा था तो वहाँ से मैंने देख लिया था उस साइड से, भाई बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी क्यों लगा हुआ ये नहीं पता, आप आगे तक देख सकते हो बहुत ही लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। पूछता हूँ भाई क्यों लगा, भैया ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है? वहाँ पर शुरू कर रहे हैं काम, चल रहा है काम, काम चल रहा है, काम कर रहा है, एक घंटा लगेगा। तो भाइयों आगे काम चल रहा है, आई थिंक कुछ टूट रहा होगा तोड़ रहे चौड़ा करने के लिए, तो आधा एक घंटा लगेगा हमें वापस जाने का, अब यहाँ से जाने के लिए। और ट्रैफिक देख सकते हो कितना लंबा लगा हुआ है भाई, टाइम लग जाएगा, एक घंटा रुके रहो तब तेरे के, एक घंटा बैठा रहो अब ऐसे ही। चलो भाई गाड़ियाँ बैठते हो, क्या कर सकते, धूप लगेगी भाई यहाँ पे, स्किन बर्न होगी। चलो आज ही होना था, कल हो लेता यार, निकल लेता, एक घंटा और लगेगा तो एक घंटा और लेट पहुँचे, एक बज जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। चलो ये कहीं लंबा टूर होता है ना मेरा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, तो लैंडस्लाइड होती है, काम चल रहा होता है, काम चल रहा ऑब्वियसली पत्थर ही तोड़ रहे ताकि रोड चौड़ी हो सके। अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, वो तो आगे पता चल जाएगा, आगे दिखाते हैं आपको। तो भाइयों यहाँ पे पत्थर गिरे थे तो ये टूटा हुआ है, आप देख सकते हो साइड में, तो ये इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था, आप देख सकते हो पूरा ही, तो यहाँ से सब हटाया अभी इन्होंने। और ये साइड से ना आई थिंक टूट गया है, तो ऊपर से आई थिंक कुछ गिरा, तो ये देख सकते हो पूरा टूटा हुआ है, आई थिंक ऊपर से ना पत्थर गिरे हैं क्योंकि बारिश हुई थी ना तो स्लाइड हुआ होगा, तो अरे क्या हो गया फंस के हो गए, निकलो
और शेट पत्थर गिर रहे उधर। पत्थर गिर रहे भाई, पत्थर गिर रहे उधर। वो गाड़ियाँ भी फंस गई थी और बड़ी मुश्किल से निकली। अभी ये सोच रहा है मारुति वाला निकाले या ना निकाले। शेट जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। ओ शेट 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 पत्थर गिरे शेट शेट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। देवलोक उजागर राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत वीर विक्रम बजरंग हर कुंती के साथ। निकाल 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 निकाल। फक शीशे पे लगा। वहाँ पूरा आपने देखा हो मिट्टी गिर रही थी, पत्थर भी गिर रहे थे, बट शीशे पे लगा, कुछ हुआ नहीं। जान में जान आई। चलो भाई आगे चलते हैं। यार इन्होंने निकाला कि मुझे पता है ऊपर से कुछ गिर रहा है, निकालना चाहिए था, बट कोई नहीं निकल गए। तो भाई अब आगे निकलते। चलो बाल बाल बचे। यो ये है वो किन्नौर का जो आपने बहुत देखा होगा कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से एक रोड निकाली गई है, और आपको आगे से दिखाता हूँ। सो बेसिकली जस्ट भाई बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है यार यहाँ से, मतलब बीच में से रोड निकाले बिल्कुल पहाड़ के बीच में से। भाई ये देखो ऊपर से, भाई साहब क्या लग रहा है यार। ये वापस जाए थे सोचा आपको, ये और उस जब आए थे जब ऊपर जाए तब शाम का दिखाया था तो उतना सही से देख नहीं पाए होगे, तो मैं सोचा अभी सुबह हुई तो अभी दिखा देते हैं आपको। हाँ और ये देखिए भाई, भाई गजब लग रहा है। और वहाँ लड़के अपनी फ़ोटोशूट करा रही है जो उनका काम है कराना। और चलो चलते हैं भाइयों। अब ये देखो लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, सारे पत्थर आगे गिर गए। तो भाई पहले ये ट्रक ये सब निकल जाए फिर हम निकलेंगे, बट ये देख सकते हो भाई ऐसे, इसलिए कहते देख के चलते रहो, आराम चलाओ, जहाँ तेज मत भगाओ कार को, क्योंकि जहाँ लैंडस्लाइड हुई वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कार या बाइक जो भी है। तो आराम चलाओ, एवरेज स्पीड पर रखो, और बस आगे हम आगे बढ़ते जाते हैं तब तक। चलो भाई यहाँ से निकले, कुछ गिरे ना कुछ गिरे ना, नहीं गिरेगा भाई, चलो निकल लो। घोड़ा भागते हुए, चलो भाई आगे निकलते हैं। सो गाइस फाइनली वापस मैं घर आ चुका हूँ, और ये वीडियो हम यही खत्म कर रहे हैं। ट्रिप भी पूरी खत्म हो चुकी है, और वीडियो आपको पसंद आया, ये पूरी ट्रिप आपको पसंद आई है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो। आई होप फुली आपको ये पूरी ट्रिप पसंद आई होगी, एंड आगे भी ऐसे ट्रिप होती रहेगी, बट उसके लिए आपका प्यार भी चाहिए, ठीक है। और जस्ट लाइक दिस वीडियो, ओके, सब्सक्राइब, कमेंट, बहुत सारा प्यार दीजिए, एंड हिट द बेल आइकन, एंड आगे मिलते हैं अगले ट्रिप पे। तब तक के लिए बने रहिए, सारी वीडियोज एंजॉय करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए सारी स्पिरिट ट्रिप। अगर आपको हेल्पफुल हुई है कुछ भी, आपको कुछ और जानना है स्पिरिट ट्रिप के बारे में, लाइक कितना बजट है, कैसे हुआ, हर चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा, बट उसके लिए पहले आप मुझे प्यार दीजिए, तभी वो वीडियो बनाऊँगा आगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।